दोस्तों, अब तक हमने शायद आई सर्जन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आई केयर या ऑप्टोमेट्री के लिए भी कोर्सेज हैं और उन्हें पूरा करके स्वयं का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं या आई केयर हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या कोर्स इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से भी किया जा सकता है। इसके अलावा कई संस्थानों में यह कोर्स चल रहा है। दोस्तों, आजकल आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में इनकी देखभाल के लिए ऑप्टोमेट्री की डिमांड काफी बढ़ रही है। ऑप्टोमेट्री में रिलेटेड कोर्स कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं कैसे इन कोर्स में एंट्री ली जा सकती है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। और उसके पहले, अगर आपने अभी तक योर इंडियन एचआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोचक और करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज प्रदूषण और असंतुलित खानपान की वजह से आंखों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आंखों की देखभाल के लिए लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में नॉर्मल फिजिशियन के अलावा इस फील्ड में एक नए स्पेशलिस्ट का रोल उभर कर आ रहा है, जो आंखों की जांच करके चश्मा या लेंस लगाने की एडवाइस देता है। इस नए विशेषज्ञ को ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। ऑप्टोमेट्री अमेरिका जैसे विकसित देश में प्रेस्टीजियस और मनी अर्निंग प्रोफेशन माना जाता है। आज देश में भी बड़ी संख्या में ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड है। ऐसे कई कोर्स हैं जहां लाखों उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सीटें होती हैं केवल 10%। और ऐसे भी कई कोर्स हैं जहां स्टूडेंट ही नहीं मिल पाते, क्योंकि स्टूडेंट को की जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे में जाहिर है कि कई स्टूडेंट निराश हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट ऑप्टोमेट्री का कोर्स करके डॉक्टर न सही, लेकिन आई केयर एक्सपर्ट का सम्मानजनक पैसा पा सकते हैं। तो आ जाते हैं योग्यता पे। दोस्तों, 12वीं साइंस से पास स्टूडेंट ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्टोमेट्री में बैचलर डिग्री या बीएससी या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। बैचलर डिग्री और बीएससी कोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी और अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। डिप्लोमा कोर्स के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। जिसने क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा कोर्स किया है, वे ऑप्टोमेट्री में बैचलर डिग्री कोर्स के थर्ड ईयर में सीधे एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स 2 साल का और बैचलर डिग्री का कोर्स 4 साल का होता है। बैचलर डिग्री में 3 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के तहत स्टूडेंट को किसी क्लिनिक या अस्पताल में आँख के डॉक्टर के अधीन काम करना होता है। इसमें एडमिशन IECET एग्जाम में पास होने के बाद ही होता है। आमतौर पर इस कोर्स में आंख की देखभाल से संबंधित विषयों को पढ़ाया जाता है। साथ ही कस्टमर को किस तरह का चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की सलाह दी जाए और लो विजन डिवाइस एवं विजन थेरेपी, आई एक्सरसाइज आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। आ जाते हैं वर्क एरिया पे, क्या काम करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टोमेट्रिक फिजिशियन। आंखों की देखभाल और आंखों की जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के रखरखाव आदि के विशेषज्ञ होते हैं। सर्जरी और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी वाले काम इनके जिम्मे नहीं होते। वे सभी उपचार ऑप्टिकल उपकरणों से करते हैं। इसके अलावा वे कलर ब्लाइंडनेस, दूर और नजदीक की कम रोशनी, मायोपिया, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आदि का इलाज भी करते हैं। उनका कार्य आंखों की जांच कर चश्मा या लेंस देना तो है ही, साथ ही उन्हें खुद बनाते भी हैं। आ जाते हैं फीस पे। दोस्तों, फीस इसकी 90,000 से लेकर 5,00,000 तक की होती है। पहले साल 90,000 रुपए देने पड़ते हैं और दूसरे तीसरे साल 65,000 रुपए की फीस होती है कुछ कॉलेजों में। काफी सारे कॉलेज हैं इंडिया में, लेकिन उनकी फीस अलग अलग है। आ जाते हैं कुछ कॉलेज हैं इंडिया में उनके बारे में। दोस्तों, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नवी मुंबई में है, CMC वेल्लोर में है, PGIMS रोहतक में है, DY पाटिल नवी मुंबई, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में है, स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस मैंगलोर मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर में है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी साकेत दिल्ली से कर सकते हैं आप, MIT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम गुड़गांव से कर सकते हैं, CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर सकते हैं आप, NSHM नॉलेज कैंपस, CSHM नॉलेज कैंपस कोलकाता से ये कोर्स कर सकते हैं आप। जाते हैं जॉब ऑप्शंस पे। दोस्तों, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जॉब ऑप्शन की कोई कमी नहीं है।
कोर्स करने के बाद स्टूडेंट स्वयं की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आई सर्जन करते हैं। आप तो मेटलिस्ट के रूप में किसी शोरूम में काम कर सकते हैं या फिर आंखों के हॉस्पिटल में कार्य की तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ऑप्टिकल लेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आदि खोलने का भी ऑप्शन होता है। इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स कॉन्टैक्ट लेंस, लेंस इंडस्ट्री या फिर आई डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आंखों से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में प्रोफेशनल सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि आंखों के डॉक्टर को ट्रेंड असिस्टेंट्स की बहुत जरूरत होती है, जो कुशल तरीके से चश्मा, लैंप्स और दूसरे नेत्र उपकरण बना सके। इसके अलावा आंखों के उपचार में आने वाली चीजों का रखरखाव भी इम्पोर्टेंट होता है। सरकारी नियमों के अनुसार ऑप्टिकल दुकानों में भी ट्रेंड ऑप्टिशियन को ही रखने का प्रावधान है, इसलिए वहां पर भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए अवसर होता है। इस तरह देखा जाए तो आने वाले दिनों में इस फील्ड में भरपूर नौकरियां होंगी। आ जाते हैं सैलरी पैकेज पे। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो शुरुआती दौर में आप 15,000 से 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ वर्क का एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपके पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का अवसर होता है, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आ जाते हैं एक्सपर्ट व्यू पे। दोस्तों, ऑप्टीमेट्री अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में तीसरा बेस्ट प्रेस्टीजियस और मनी अर्निंग प्रोफेशन माना जाता है। देश में हर साल 10,000 ऑप्टीमेट्री एक्सपर्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज केवल 3,000 की सप्लाई ही कर पा रहे हैं। स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं है, जबकि इसमें 1000% की जॉब गारंटी है। तो दोस्तों, एक बार सोचें, अगर आप मेडिकल में MBBS क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे आप कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।